निशान? यस सर। पता नहीं अम्मी। क्या पता नहीं, ये शेर थोड़ा डार्क नहीं लग रहा? तुम बताओ, तुम बच्ची तो नहीं हो? बच्ची तो नहीं हूं, बट आपको ना शहाना आंटी का नहीं पता। वो एक ही सेकंड में पूरा आउटफिट स्कैन कर लेती हैं। उनको पता चल जाता है कहाँ से लिया है, किस डिजाइनर का है, कितने का है। शी जस्ट मेक्स मी रियली नर्वस। गॉड से काला, तुम ऐसी तो नहीं थी। और तुम तैयार किसके लिए हो रही हो, अपने लिए या किसी और के अप्रूवल के लिए? मैं कौन सा किसी अजनबी के अप्रूवल के लिए तैयार हो रही हूँ? अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के लिए हो रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बिल्कुल, और इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करती हूँ। तुम बहुत प्यारी लग रही, और अगर तुम्हें ये लिपस्टिक का शेड सही नहीं लग रहा तो किसी और का अप्रूवल क्यों? ब्रांच में लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी बी स्पेंडिंग टाइम अलोन। वो मुझे जानना चाहती हैं, इसलिए तो अकेले बुलाया है। और जब वो तुम्हें जान जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी बेटी की चॉइस कितनी सही है। माय अब्बू का था, तुम्हें मंगनी की मुबारक देना चाह रहे होंगे? नहीं, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा चलो छोड़ो, और अब तुम जाओ। पहली दफा ही लेट पहुंचोगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? चल ओके, थैंक्स फॉर द टॉक, बाय। एक्चुअली ये नीचे कुछ फाइल्स हैं, जाके एचआर डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ। सर जी, आपने ये न्यूज़ स्टोरी देखी? कौन सी? आयला नदीम का मर्डर केस। 3 हफ्ते पहले इंस्टाग्राम के हर पेज पे इसकी शादी की तस्वीरें थी। आयला नदीम कौन? सर ये, ये दानियाल की बीवी, मुजीब जमान की बहू। जी सर, आयला नदीम था उसका नाम। अच्छा, अफसोस हुआ, लेकिन ये स्टोरी तो जाकिर को पहले ही असाइन कर दी। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाकिर साहब को असिस्ट कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि उसको पहले ही कोई लड़का असिस्ट कर रहा है। आप ऐसा करो कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक या ट्विटर पे कोई अच्छी सी पोस्ट लगा दो। बल्कि ऐसा करो, नीचे जाके फैशन एंड ब्यूटी डिपार्टमेंट में देखो क्या हो रहा है। आप अपने इंटर्नशिप का कोई फ़ायदा उठाएं। ओके चला, दो पराठे लगाना। आपके इलाके में अफजल नामी शख्स कोई रहता है जो थोड़ा सा मशकूक टैप है? यार ये क्यों अपना मुंह छुपा रहे? वो देखो इसे, ओए रुक रुक। ओए रुक रुक।
रुक। इधर जा और तू मेरे पीछे आ। मैम आप ठीक है? इट्स ओके, बी स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ना बी स्ट्रॉन्ग, रोना बंद करो, बहुत काम पड़े हैं करने के लिए। हमें यहां से निकलना होगा। क्यों? पुलिस मेरे पीछे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूं। किसी ने पीछा तो नहीं किया तेरा? वो मेरे पीछे थे, जो करना जल्दी करो। कहाँ फंस गए? अब ना कहीं छुप सकते हैं और ना भाग सकते हैं। तो फिर अब क्या करें बॉस? शायद अब हमें अलग होना पड़े, वरना इस इलाके के लोगों को ही हम पर शक होना शुरू हो जाएगा। सामान बांधो, निकलो यहाँ से। ठीक है। हेयर रोलो। देखिए, मैंने आपसे कहा था रकम अरेंज हो जाएगी, आप बस बता दीजिए कहाँ मिलना है। ठीक है। हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं ज्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ आजकल, एक्चुअली इंटर्नशिप में थोड़ा बिजी रहती हूँ, लेकिन आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं और सब जानना चाहते हैं आरजू और शाहिद के डिवोर्स रूमर्स के बारे में।
अपेरेंटली दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो तक कर दिया है। बट आज हम सेलिब्रिटी से हटकर एक और स्टोरी शेयर करेंगे। ये है आयला नदीम का मर्डर केस। अगर आप लोगों को याद हो तो एक हफ्ते पहले मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त शादी की पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड की थी। ये शादी आयला नदीम और दानियल मुजीब की थी। इट वॉज अ स्टार स्टडेड इवेंट। जी जी मुजीब साहब, जी जी, मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि हम उन्हीं इलाकों की तलाशी ले रहे हैं। हमारी पहली लीड वो बुलेट है जो वहाँ से मिली। हम ये पता लगा रहे हैं कि वो बुलेट किस बंदूक से निकली है और वो बंदूक आसपास के किस इलाके से मिलती है। लेकिन असली का मामला थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये ब्लैक मार्केट से ख़रीदा जाता है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने उस बुलेट शेल को फॉरेंसिक लैब भेजा हुआ है फिंगरप्रिंट्स के लिए। भाई, आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है कि पुलिस को अभी तक ड्राइवर की बॉडी तक नहीं मिली? बात तो अजीब सी है। उसके बीवी के कॉन्टैक्ट के अलावा लोगों के पास उसकी कोई और हिस्ट्री नहीं है? बैकग्राउंड चेक तो करवाया होगा आप लोगों ने? भाई, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। शरीफ आदमी है बाबा, भरोसे वाला लगता है। तुम्हें बड़ा पता है, ऑफिस की एक मीटिंग तो सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते तुम। आदमी को देखकर ही पहचान जाओगे कौन भरोसे वाला और कौन नहीं। जरूरतमंद है, मैं पता करवा लूंगा, डोंट वरी। जानी, शादी वाला घर है, 1000 काम सर पे आए हुए हैं, 2 ड्राइवर्स हैंडल नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा टेम्परेरली तीसरा ड्राइवर रख लेना। शादी ख़त्म हो जाएगी, काम निपट जाएंगे, फिर लेट हिम गो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, सामिया से कहो कि उसका बैकग्राउंड चेक करवाए फौरन, शनाख्ती कार्ड वगैरह की कॉपी दो सामिया को। हर काम सामिया से क्यों बाबा? आई मीन, वो हमारे ऑफिस के कामों के लिए, घर के डोमेस्टिक स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। अगर तुम ऑफिस के मामलात को ठीक तरह से हैंडल कर सकते हैं तो और बात थी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सामिया इससे पहले भी हमारे लिए काम करवाती रही है। बाय द वे, नाम क्या है उस आदमी का? सर, हमीद मंजूर नाम के शख्स को तो आप जानते होंगे ना, खालिबन आपके उस ड्राइवर का यही नाम था। हमने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया है, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कुछ अरसा पहले छोटी मोटी चोरियाँ करता पकड़ा गया था। अब कन्फर्म हो गया है कि उसकी बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली, क्योंकि बुलेट शेल पर उसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। उतर उतर। क्या हुआ? जाओ घर की तलाशी ले जाओ। कहाँ जा रहे? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? तुम्हारा शौहर। मुझे नहीं पता, क्या ढूंढ रहे हैं? सर, यहाँ पे कोई नहीं मिला। गिरफ्तार करो ने। क्या? चलो चलो चलो, मुझे क्यों लेके जा रहे शेरू? चलो बीबी, मैंने क्या किया है? चलो, क्यों लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैंने किया क्या है? क्यों ले जा रहे शेरू? चलना चाहिए, को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। ये देख क्या लाया हूँ। चल हट, यहाँ भी चोरियाँ शुरू कर दी तूने। अल्लाह अल्लाह करके तो नौकरी मिली है, वो भी हाथ से चली जाएगी। अरे इतनी महंगी घड़ी उसके लिए कोई चीज़ ही नहीं है, उसको पता भी नहीं चला इतना पैसा है उन लोगों के पास। क्या फ़ायदा इतने पैसे का, कुछ दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं तुम्हें। देख, मैं कोशिश करके छोटे साहब से बात करूँगा,
क्या पता मुस्तकिल रख लें। हाँ तो चोरियां तो करना बंद कर। तू जानती है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बेटे की शादी पर? छोड़ो भी, बड़ी खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो इतने बड़े घर में दुल्हन बन के आ रही है। लेकिन मामला कुछ अजीब सा है, बड़े साहब और बेगम साहब खुश नहीं लगते इस शादी से। ये तो छोटे साहब ने जिद करके शादी की है। तुझे कैसे पता? सब सुन रहा होता हूँ। कभी हमसे बात छुपाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन समझ फिर भी आ ही जाती है। सर क्या ये बात सच है कि इस किडनैपिंग और कत्ल के पीछे आपका अपना ड्राइवर था? सर क्या ये सब पैसों के लालच में किया गया या आपकी अपनी पर्सनल दुश्मनी थी? सर एग्जैक्टली आपको कितने बजे पता चला कि आपकी बहू लापता है? प्लीज वन एट अ टाइम प्लीज। सर प्लीज आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हेलो, हाँ मैंने परसों के लिए मीटिंग कंफर्म कर दी है। ठीक है, ओके ओके बाय। मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ। देखें MJ मैगजीन के साथ काम करती हूँ और फ्रीलांस ब्लॉगिंग भी करती हूँ। अभी दो मेल रिपोर्टर यहाँ से गुजरे हैं, आपने उनसे तो नहीं पूछा मेरे साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? बेटा ये सिर्फ प्रेस के लिए अलाउ है। क्या हो रहा है? मैम ये लड़की अंदर आने की जिद कर रही है, मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ प्रेस के अलावा किसी और का आना मना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, अपना प्रेस कार्ड मैं गलती से ऑफिस में भूल आई। लेकिन देखिए ये बैज है मेरे पास, पर ये अंदर ही नहीं जाने दे रहे, सीरियसली नहीं ले रहे मुझे। इट्स ओके, इन्हें जाने दें। लेकिन मैडम हम इस बच्ची को बगैर कार्ड के कैसे जाने देंगे? बच्ची इट्स ओके, आप जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। इट्स ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग, नज़र लग गई है किसी के। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो अपनी सेहत और खराब कर लोगे, ये अफसोस और ये डिप्रेशन तुम्हें तबाह कर देगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अफसोस और डिप्रेशन की वजह से रो रही हूँ? नहीं तो फिर क्यों रो रही हो? गिल्ट, ऐसा गिल्ट जो मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। ब्रंच करने जा रही हो? हाँ। तो इतनी बेजार क्यों? क्योंकि मैं उस लड़की से मिलने जा रही हूँ जिसे दानियाल ने खुद ही पसंद कर लिया है और अंगूठी भी पहना दी हमें मिलाए बगैर। अरे भाई शुक्र करो कि उसने किसी को तो पसंद किया, मैं तो उसकी इसी बात से मुतमईन हूँ बस। तो फिर आप उससे मिलने चले जाएं ना, ही इज इंसिस्टिंग कि मैं मिलूँ, ब्रंच पे लेके जाऊँ, उसे जानूँ और पसंद भी करूँ। तो कर लो, इसमें हर्जी क्या है? आपको अंदाजा है कि ये सब कुछ मेरे लिए कितना एम्बेरसिंग है? मेरी सारी सहेलियां पूछ रही हैं कि ये लड़की कौन है और ये मंगनी एकदम से कैसे हुई। तो बता दो बेटे की पसंद है? बेटे की पसंद एक ऐसी लड़की जिसे हम मिले नहीं, जिसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमको जानते नहीं। अरे भाई शर्त मैंने रखी थी ना कि अगर उसने मुझे पोता पोती नहीं दी तो मैं जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा, तो उसने फौरन हामी भर ली। अब लड़की तुम्हारी पसंद की हो या उसकी क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना, बार बार मैसेज कर रही है, she's so irritating, I want to kill her. दानियाल सर आपसे एक लास्ट सवाल, क्या आपकी बीवी की किसी से दुश्मनी थी? देखिए ये दोनों सवाल पहले भी किए जा चुके हैं, जो पैकेट आप लोगों को दिया है उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और बाकी के सवालात का जवाब हम लोग खुद भी तलाश कर रहे हैं। सर मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है जिसका जवाब शायद इन पैकेट्स में मौजूद ना हो। यहाँ अगवा और कत्ल के बारे में तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन असल विक्टिम को अभी भी कोई नहीं जानता। आयला नदीम कौन थी? मुजीब जमान की बहू और दानियाल मुजीब की बीवी होने के अलावा भी तो उनकी कोई अपनी शनाख्त होगी। वो कौन थी, क्या करती थी और उनका इस सब में क्या रोल हो सकता है? क्या उनकी किसी से जाती दुश्मनी हो सकती है, या शायद आप लोगों की खानदानी दुश्मनी की वजह से एक बेकसूर अपनी जान खो बैठी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखें हमें सिर्फ सच में दिलचस्पी है, आपके रोने धोने में नहीं। मेरा बच्चा कहाँ है? वो महफूज है, अगर उससे मिलना चाहती हो तो सच सच बताओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा शौहर जिंदा है, उसने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है।
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बताया तो है, अब खुदा का वास्ता है मुझ पे और मेरे बच्चे पे रहम फरमाए। झूठ बोल रही है। हम उन पे नजर रखेंगे, उनके घर की निगरानी भी करेंगे। जहां तक मुझे याद है उसका एक बेटा भी तो था। वो भी हमारी हिरासत में। बच्चे का इस सबसे क्या ताल्लुक है? सब आपस में मिले हुए होते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो औरत वाकई बेकसूर है तो उसके शौहर के जुर्म की सजा उसको क्यों मिले? उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है बाबा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखा जाए। ये तुम्हारी इसी सोच की वजह से हमने बगैर सोचे समझे एक कातिल और डाकू को अपने घर पर रख लिया था। सर, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, लेकिन इस सारे प्रोसेस में किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए, प्लीज। बिग मेन्यू। हाँ, आप मेरे लिए एक एग्स बेनेडिक्ट विद टर्की ऑन द साइड और एक वर्जिन पीना कोलाडा ला दीजिए। श्योर मैडम। फॉर यू चीज बर्गर विद फ्राइज और बर्गर कैसा? मीडियम मीडियम वेल। वेल डन बर्गर फॉर ब्रंच एंड वो भी वेल डन। जी धन्याल तो कभी भी कोई चीज़ वेल डन ना खाए। मुजीब तो कहते हैं कि अगर गोश्त को ज़्यादा पका देना तो गोश्त तोहीन हो जाती है। एनीवे तुम्हारा ब्रंच तुम्हारी मर्जी। शहाना। ओ बंटी, हाय। हाय, यूएस से कब वापस आई? पिछले हफ्ते आई। हाउ आर यू? आई एम वेल साइमा डार्लिंग, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू आंटी, यू आर टू काइंड। दानियाल बता रहा था कि तुम्हारी पहली बुक पब्लिश हो गई है, मुबारक। थैंक यू, मैं आज ही आपको साइंड कॉपी भिजवाती हूँ। Not one copy, two copies, huh? One for me and one for Danyal. You know he loves to read. Of course. Anyways, hum chalte hain. But do call me. And Nazneen was also asking ki hum black and white fundraiser pe saal jayenge ki nahi jayenge. Of course, ye bhi koi poochne wali baat hai. Yes, Sayyid, I'll see you. Take care. Take care. Come on, bye, darling. बहुत अच्छी सहेली है मेरी बेटी, इसकी Wellesley College से graduate करके आई है. You must have heard of it, na? मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था कि दानियाल और इसका, खैर आई गेस ये खुशी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई थी। क्या पता आंटी ये खुशकिस्मती दानियाल की हो। हेलो, मैं जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ छुपे बैठे हैं। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। दो दिन हो गए हैं यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। जी सर पहुँचने वाले हैं। ठीक है सर। क्या हुआ? सर को टीम मिली, वहाँ पे फौरन पहुँचना। निकलो निकलो। हर बार तो हार ही जाता है। अच्छा जी, चलो अरेस्ट करो इनको। मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। पुलिस ने हर जगह घेरा डाला हुआ है। तू ये तो बता, तू क्या कर बैठा है हमें? अभी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा, जल्दी कर। तू बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्यों चुप दबा रहा है सबसे? पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुझे? क्या समझ, यहाँ पुलिस के आने से पहले मुझे निकलना होगा। बस तू ही है मेरी मदद कर सकती है। चाहता क्या है तू? ऐसा कर, अपने कुछ जेवर मुझे दे दे। जेब में एक पैसा नहीं है, उसी को बेच के अगला ठिकाना ढूंढ लूंगा। सकिया, मैं बहुत एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ, बस तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, लाती हूँ जेवर, ले जा। लेकिन तुझे तेरे बेटे की कसम है, वापस इधर मत आना।
वादे के मुताबिक ही पूरी रकम है। कहा था ना मैंने आपसे कि पैसे अरेंज हो जाएंगे। अपेरेंटली वो टिप पुलिस को एक चोरी के फोन से मिली थी। उसकी बीवी क्या कह रही थी? उसे तो पता होगा ना कि वो कहाँ है इस वक्त, क्यों किया उसने ये सब कुछ। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं पुलिस ने उससे, लेकिन उसके बयान के मुताबिक हमीद घर आया जरूर था लेकिन उसके जेवर लेकर चला गया। कुछ तो पता होगा उसको, इसीलिए पुलिस उसके घर की निगरानी करवा रही है और उस जगह की भी जहां से फोन चोरी हुआ है। तुम कितने खुशकिस्मत हो, अहला को आखिरी दफा तुम ही ने देखा था। उसकी आखिरी मुस्कुराहट तुम ही ने देखी थी। मुस्कुराहट बार बार याद आती है। क्या था उसके आखिरी लफ्ज बताओ मुझे, कैसी लग रही थी वो? खुश थी? उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। But how dare she? अच्छा calm down। एक तो तुम इतनी dramatic हो। मम्मी आपको नहीं पता आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। उन्होंने मुझे इतना insult किया है। उनका बस चलना तो मैं मर जाऊं लेकिन उनके बेटे से शादी ना करूं। क्या हुआ है? Throughout the time brunch पे उन्होंने मुझे ऐसे फील कराया जैसे वो बहुत embarrassed है मुझसे। अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया बल्कि उल्टा मुझे ताने दे रही थी। अब देखो भाई, दानियाल ने उनसे बगैर पूछे तुमसे मंगनी तो कर ली है। It's gonna take some time for her to adjust. थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। नहीं, but how does that make sense? मतलब वैसे तो वो बहुत योगा करती हैं, मेडिटेशन, वेरी स्पिरिचुअल, वो सब कहाँ गया? No, that's different. अंदर से सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। नहीं, दानियाल ऐसा तो नहीं है ना जी। इसीलिए आपकी शादी दानियाल से हो रही है, उनसे नहीं। मम्मी but that's not enough. You know, ये काफी नहीं है। ओके फिर क्या करना है तुमने? देखो मैंने तुम्हें मजबूत बन के हल तलाश करने की ट्रेनिंग दी है, इस तरह रोध हो के हार मानने की नहीं। तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूं nevertheless. पर ऐसे टैंट्रम थ्रो करने से तो कुछ नहीं होगा ना। I think you're right. मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये आदमी यहाँ जेवर बेचने के लिए आया था? इस शक्ल के आदमी को तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अगर ये दिखे ना यहाँ कहीं तो साथ वाले थाने में इत्तला कर देना। ठीक। और ऐसी दुकानें हैं यहाँ? हाँ इस तरफ हैं दो तीन दुकानें। सामान? आप किसकी इजाजत से वहां गई थी? MJ मैगजीन ने तो आपको जाने को नहीं कहा था। सर इंटरव्यू के वक्त बताया था ना कि मैं वीलॉगिंग भी करती हूँ, आप तो इतना इम्प्रेस हुए थे उससे। तो करें ना वीलॉगिंग, एक्टर्स पर बात करें, ड्रामे रिव्यू करें। सर ये भी तो बताया था कि मुझे क्राइम जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है। देखें बीबी आप इंटर्न हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। अब आप जाएं यहाँ से और दोबारा ये गलती ना हो। भाई। वालेकुम सलाम। ये कुछ जेवर बेचने थे। जेवर? जी। ओए। ताजा सीधा
सीधा। प्रिंटर की तरफ जा रही हो? जी। तो मेरे पेपर भी लेते आना। ले आए? डेस्क पर पड़ा है मेरा पेपर। यानी तो मेरी अम्मी की गलती की सजा मुझे देना चाहती हो? मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तुम्हारी अम्मी मुझे इंटिमिडेट करती हैं। आयला देखो, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ तुम्हें बहुत पहले बता दिया था। आई हैव नथिंग इन कॉमन विद देम। बाबा ने हमेशा मुझे अपने से कमतर समझा है, और मामा तो जानते भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ ये सिचुएशन ही ठीक नहीं। सिचुएशन? देखो आई अंडरस्टैंड कि मामा तुमसे बहुत रूड हो जाती हैं, इसीलिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी अपोलॉजी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस घर में जा ही नहीं सकती जहाँ मैं वेलकम नहीं। वो मेरा घर भी तो है। मगर शायद हमारा नहीं। क्या कहना चाह रही हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि शादी के बाद हमें अलग रहना चाहिए। मैं बार बार अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डाल सकती। मगर आयला, ट्राई एंड डिस। अगर मगर कुछ नहीं, मैं इस बारे में मज़ीद डिस्कशन नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मेरे साथ रहना है, तो शादी के बाद हमें अलग घर लेना होगा। मैं रोज रोज की तानेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेके चलो इसको। क्या सोच रहे हो दानियाल? देखो ये मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए भी कह रही हूँ। तुम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करो? A life that is maybe independent? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम अपने बाप से क्या कह रहे हो? बाबा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या क्या कह रहे हैं आप? तो बड़े खुश हो रहे थे ना, जश्न मना रहे थे कि बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया है, लड़की भी ढूंढ ली है। देखा, मैं गलत तो नहीं कह रही थी ना? मामा इस सारी बात का आयला से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। तो इसका मतलब ये तुम्हारा फैसला है कि शादी के बाद तुम हमसे अलग होना चाहते हो? अलग अलग होने की बात कौन कर रहा है बाबा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम क्या चाहोगे, तुम कब से चाहने लगे? और ये जो अचानक तुम्हारे पर निकल आया ना, इसकी वजह मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बाबा कि मैं एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारूं। कब तक एक इंसान अपने बाप के परों के नीचे जिंदगी गुजार सकता है? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है?
आई एम सॉरी। आज से पहले तुमने कभी भी मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी ठीक कहती हैं। उस लड़की ने तुम्हें बिल्कुल चेंज कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा वही किया है जो आपने मुझे कहा है। मैं दुनिया के सामने कमजोर ना रहूं, यही चाहते थे ना आप? दुनिया के सामने? अपने माँ बाप के सामने नहीं। बस सुन लो, अगर शादी के बाद तुमने अलग होने की बात की तो क्या आकर देंगे आप मुझे? तो ये धमकी तो आपने तब भी दी थी जब मैं शादी नहीं कर रहा था। दानियाल। मामा प्लीज। बाबा ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है। अगर इस बात पे आप लोग मुझे पनिश करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। एंड फॉर द लास्ट टाइम, शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो करना है कंप्लीटली अप टू यू गाइस। देखा, ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। अब तो यकीन आ गया ना मेरी बात पे, आई वॉजंट रॉन्ग। अगर ऐसी बात है तो वो लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। उसे पता ही नहीं कि वो किस खानदान में आने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुजीब, मेरा नाम एशली विक्टर है और मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी। सच सच बता, वो टिप तूने ही दी थी ना हमें? बड़ा बेगैरत निकला, अपने यारों को पकड़वा दिया तूने। क्यों? तूने अपनी बीवी के जेवर चुरा लिए जो उसने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बचा के रखे थे। इतना घटिया आदमी है तू। तूने अपने मुंह से क्यों किया था, किस लिए किया था? क्यों मारा उस मासूम लड़की को? मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। देख, बकवास मत कर, खुलकर बात कर। ये कत्ल मैंने खुद से नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। हाँ सामिया, हाँ क्लाइंट से कहो कि आज मीटिंग अपने वक्त पे होगी, हम आज से काम शुरू कर रहे हैं। सब क्या है? दानियाल मुजीब कहाँ है? पहले आप मेरे सवाल के जवाब। जाओ अंदर जाओ। क्या आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ मैं, तफ्तीश। किसने हायर किया था तुझे ये सब करने को? दानियाल साहब ने, ये सब उन्हीं ने करवाया है। क्या क्या बकरा है? वो ये सब क्यों करवाएगा? मैं सब कुछ आपको बताता हूँ।